हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है इकोनॉमिक बॉटनी की इस क्लास में। और अब हम बात कर रहे हैं फूलगोभी के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फूलगोभी, जिसको हम कॉलीफ्लावर भी कहते हैं, उसके बॉटनिकल नेम की। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो वही होता है जो कि पत्ता गोभी का होता है, केवल वेराइटी का जो है अंतर है। तो यहाँ पर इसका जो बॉटनिकल नेम है वो होता है ब्रैसिका ओलेरेशिया, और इसकी जो वैरायटी है वो है बोट्राइटिस। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो बॉटनिकल नेम है वो ब्रैसिका ओलेरेशिया, वैरायटी ब्रोटाइटिस है। कुल की बात करें तो इसका जो कुल है वो ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरी, जिसको हम सरसों कुल भी कहते हैं, वो इसका कुल है। और इसमें जो उपयोगी पादप भाग है जो हमारे काम में आता है वो है इसका सहत तरुण पुष्पक्रम। यह पुष्पक्रम जो है, जिसको हम एक तरीके से फूल भी कहते हैं गोभी का, वही जो है हमारे काम में आता है विशेषकर सब्जी के रूप में, और यही जो है बनाता है पादप का उपयोगी भाग। अब इनके बाद में हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति के बारे में या ओरिजिन के बारे में। तो गोभी जो हमारी है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से मानते हैं। कुछ वैज्ञानिक जो हैं इस फूल गोभी का जो उत्पत्ति स्थल मानते हैं वो मानते हैं साइप्रस को, और अन्य जो लोग हैं या अन्य वैज्ञानिक जो हैं वो उत्पत्ति मानते हैं इटली के भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। तो कहने का मतलब यूरोप महाद्वीप का पादप है, वहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वहीं पर जो है इसकी बहुत लंबे और प्राचीन समय से जो है इसकी खेती की जा रही है। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो यूरोप के देशों में इसकी जो खेती है वो प्रमुखता से की जाती है, साथ ही साथ विश्व के अन्य देशों में भी इसकी खेती, जैसे कि भारत, चीन, जापान, सभी देशों में इसकी खेती अब व्यापक पैमाने पर की जाती है। भारत में 16वीं शताब्दी में वास्को डी गामा के द्वारा जो है इसको लाया गया, और तत्पश्चात भारत में इसकी खेती अब जो है सभी जगह पर सभी स्टेटों में की जाती है। और साथ ही साथ इसकी जो खेती है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय भी की जाती है, कहीं अगेती किस्म को बो करके, कहीं पछेती किस्म को बो करके, इस तरीके से इसकी खेती सभी जगह पर व्यापक तौर पर की जाती है। और यह जो फूल गोभी है वो विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में भी अगर हम कहें तो सर्दियों की बहुत ही प्रमुख सब्जी वाली फसल है, और सर्दियों में इसको प्रमुखता से सब्जी के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अब हम बात करेंगे पादप के वानस्पतिक लक्षणों की। तो ये जो फूल गोभी का पादप है वह शाकीय पादप होता है, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई जो है वो पादप की कम होती है। पादप में जो तना है वो हाशित होता है, उर्ध्व होता है, और साथ ही साथ इस तने से पत्तियां निकलती हैं, और पत्तियां जो होंगी वो चौड़ी होती हैं, सरलपर्ण होती हैं। साथ ही साथ वो आकृति के हिसाब से बात करें तो वीणाकार जो है इनकी आकृति होती है। क्रूसीफेरी कुल में जो है ये प्रमुख लक्षण है, वीणाकार आकृति की जो पत्तियाँ पाई जाती हैं। तो पत्तियां साथ ही साथ मोटी होती हैं, चमड़ी लेथरी टाइप होंगी, और ये पर्ण इस पुष्पक्रम को घिरे रहती हैं। पुष्पक्रम की बात कर लें तो इस पादप में जो पुष्पक्रम होता है वह पुष्पक्रम में सहत रूप में पाया जाता है, और यह अति शाखित शाखाओं से बना हुआ होता है और एक हेडनुमा संरचना बनाता है, जिसको हम कर्ड भी कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है गोभी का वो कर्ड है, और इस कर्ड में इन शाखाओं के ऊपर जो अतिवृद्धि शाखाओं की बात हम कर रहे थे उनके ऊपर रुद्रवृद्धि पुष्प पाए जाते हैं, और यह पूरी संरचना एक सफ़ेद या हल्के पीले रंग की स्ट्रक्चर बन जाती है, जो पत्तियों के बीच में बहुत ही सुंदर एक तरीके से हमें दिखती है। और यही जो है इस पादप का खाने योग्य भाग बनाती है। इस पूरे पुष्पक्रम का उपयोग जो है इस हेतु किया जाता है। और अब हम बात करेंगे इन वानस्पतिक लक्षणों के बाद में कृषि की या कल्टीवेशन की। तो पत्ता गोभी की तरह ही जो फूल गोभी है वो भी शीत
नम जलवायु का पादप है, इससे फसल के लिए अगर हम देखें तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है उसकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्दियों में इसको उगाया जाता है, तो यह शीत जलवायु की फसल है। मृदा की बात करें तो मृदा जो है वो दोमट मृदा इस फसल के लिए सर्वोत्तम होती है। ये दोमट जो है अच्छे जल निकास वाली मृदा होनी चाहिए, साथ ही साथ भारी दोमट मृदा में भी इसकी खेती की जाती है। मृदा का पीएच जो है वो 6 से 7 के मध्य में हो तो इसकी खेती सर्वोत्तम होती है। अम्लीय या थोड़ी क्षारीय मृदा में भी इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन उसका फिर उपचार करना पड़ता है विभिन्न रसायनों के द्वारा। बुवाई का जो समय है इसका वही अगस्त अक्टूबर है, क्योंकि तो शीतकाल में ये फसल तैयार होती है पक कर के नवंबर दिसंबर में, तो इसलिए इसकी जो बुवाई है वो अगस्त अक्टूबर के महीने में की जाती है। लेकिन अलग अलग राज्यों में इसकी बुवाई का जो समय है उसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि विभिन्न विभिन्न किस्मों को अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में बोया जा सकता है। कृषि कार्य करने के लिए इसकी सबसे पहले तो पौध लगाई जाती है और बीजों के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। तैयार जो खेत होता है जिसको 2 से 3 बार जोत करके समतल करके उसमें पौध लगा देते हैं, और इन जब ये पौध लगभग 3 से 4 सप्ताह बाद जो पुराना पौध होगा या पौधा होगा उस पौधे को रोपित कर दिया जाता है पहले से ही तैयार खेत में, और इनको ठीक पत्ता गोभी की तरह ही कतारों में लगाया जाता है, जिसमें कतारों के बीच की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर के लगभग बीच में रखी जाती है, और साथ ही साथ पौधे की दूरी भी बीच में इतनी ही रखी जाती है, जिससे कि गोभी का जो आकार है वो प्रॉपर होता है। सिंचाई की बात की जाए तो गोभी में जो है सिंचाई की बार बार आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ज़्यादा पानी भरा रहना इस फसल के लिए हानिकारक है। सिंचाई 15 दिन के लगभग अंतराल पर की जाती है, और जब तक फसल एक तरीके से कहेंगे तैयार नहीं हो जाती तब तक हम इसकी सिंचाई बार बार करते रहते हैं, और लगभग जब पौधा 2 से 3 महीने का हो जाता है तो और उस दौरान ये जो पत्तियां हैं वो भी थोड़ी सी कह सकते हैं कि पीली पड़ने की ओर अग्रसर होती हैं, और ये जो फूल है या हेड है इसका आकार पूर्ण जब प्राप्त कर लेता है तो फसल जो है परिपक्व हो जाती है, तैयार हो जाती है। उस दौरान इनको तोड़ लिया जाता है, और तोड़ने के पश्चात या कह सकते हैं कि काट भी सकते हैं, और बाद में जो है पत्तियों को हटा दिया जाता है और ये जो फूल हैं उनको मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। तो ये तो बात हुई इसकी कृषि कार्य की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं फूल गोभी की। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो उन्नत किस्में हैं वो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से उन्नत किस्मों का प्रयोग हम करते हैं, जिसमें से स्नोबॉल 16, पूसा स्नोबॉल 1, पूसा स्नोबॉल 2, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हिमज्योति, विश्वभारती, पूसा सिंथेटिक, पूसा अघेनी, हिसार 1, पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली, इसके अलावा कुवारी, ये सभी जो है इसकी उन्नत किस्में हैं जिनका प्रयोग हम अच्छी पैदावार के लिए कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग की। तो उपयोग को जो है बताना बहुत ही आसान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सर्दियों में एक प्रमुख सब्जी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं फूल गोभी को, और इसकी जो सब्जी है वो अकेले भी बनाई जाती है और साथ ही साथ अन्य सब्जी जैसे कि आलू के साथ या फिर अन्य सब्जियों के साथ भी इसको मिला करके बनाया जाता है। दूसरा अगर हम उपयोग देखें तो जो गोभी है उसके पकौड़े बनाए जाते हैं, अचार भी बनाया जाता है, साथ ही साथ इसका सूप भी जो है वो बनाया जाता है। इसके अलावा पादप जो है उसका जो पत्तियाँ हैं वो पशुओं को खिलाने के काम में भी ली जाती है। तो ये तो थे इसके उपयोग, और साथ ही साथ इसी के साथ हमारी ये जो क्लास है वो समाप्त होती है इकोनॉमिक बॉटनी की। मैं आपको यहाँ पर एक बात ये बताना चाहूँगा कि BSc के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें इस तरीके का प्रश्न जो है वो शॉर्ट नोट्स के रूप में आपसे पूछा जाता है कि नहीं, एक फसल का चाहे वो पत्ता गोभी हो सकता है, चाहे वो फूल गोभी हो सकता है, चाहे वो पालक हो सकता है, तो आप इनकी जो है तैयारी अच्छे ढंग से की करें तो जिससे कि आप इनको आसानी से लिख करके आ सकते हैं। और यहाँ पर हम जो चर्चा करते हैं वो इन बिंदुओं की करते हैं। सबसे पहले तो आपको इन तीनों चीज़ों का
जानकारी होनी चाहिए, वानस्पतिक नाम कुल और उपयोगी भाग की। उसके पश्चात हम बात करते हैं यहाँ पर उत्पत्ति की, वानस्पतिक लक्षण जो पादप के होते हैं उनकी, और किस तरीके से इसकी कृषि की जाती है, उन्नत किस्में और इनके उपयोग की। तो आप आसानी से इन प्रश्नों का जवाब जो परीक्षा में आते हैं उनका दे सकते हैं। अब हम यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।